नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई से रिलेटेड। क्या आपने 70 लाख रुपए के जूते देखे हैं कभी? मुझे नहीं लगता भाई, 70 लाख रुपए के जूते अंबानी अंडानी वो भी पहनते होंगे, जो शायद इंडिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, वर्ल्ड में उनका नाम है। 70 लाख रुपए के जूते तो वो भी नहीं पहनते, ये तय बात है। लेकिन मैं आपको ओरिजिनल में दिखाऊंगा 70 लाख रुपए के जूते कैसे बन जाते हैं। कई बार आपने देखा है करोड़ों का मोबाइल, वो करोड़ों का मोबाइल कैसे बनता है? मोबाइल तो आईफोन, महंगे से महंगा मोबाइल आईफोन है, उससे महंगा फोन ही नहीं है, समझ रहे हो? 1 लाख 1.5 लाख का फोन आता है, वही आप ले सकते हो, वही इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे बड़ा अमीर से अमीर आदमी है, वो भी वही फोन ले सकता है। लेकिन उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट हो जाते हैं, जैसे कोई वो होता है ना, डायमंड लगवा देते हैं, जो 1 करोड़ का डायमंड होता है वो पीछे लग जाता है, गोल्ड प्लेट लगवा देते हैं, तो उस फोन की कीमत बढ़ जाती है करोड़ों में। जी हाँ, जूते तो सस्ते थे लेकिन सोने के बन गए वो, इसलिए 70 लाख रुपए के हो गए। और ये मामला, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे गांव का मामला है। जी हाँ, राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट है, आप सबको पता ही होगा, जयपुर से पास में ये, जयपुर से 1 घंटे का 2 घंटे का रास्ता है। वहां का मामला है, जयपुर एयरपोर्ट पे बंदे को पकड़ दिया गया। जी हाँ, पूरी डिटेल से आप बात सुनिए, उस सोने का क्या होने वाला है, ये बर्बाद हो जाएंगे ये समझ लो, ये तस्कर है ना, तो तस्करी के चक्कर में इसको तो चेप भी दिया, ये तो अंदर गया ही गया, वो गोल्ड का क्या होने वाला है, तो आपको ये न्यूज जाननी जरूरी है। क्योंकि सीकर का मामला राजस्थान का है, तो गोल्ड तस्करी करने से पहले 100 बार सोच लें। हालांकि उन्होंने जो कहानी बताई है उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे, पूरी कोशिश भी करी निकलने की लेकिन निकल नहीं पाया। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज दुबई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हमारे राजस्थान में जयपुर में 3 दिन में दूसरा मामला है। जी हाँ, और ये मामला इतना बड़ा है कि 70 लाख रुपए का गोल्ड पकड़ा गया, ये समझ लो 1500 ग्राम गोल्ड, 1 किलो 1.5 किलो गोल्ड आप समझ सकते हैं, इसको पकड़ा गया। ये बंदा शारजा से आ रहा था, शारजा से जयपुर फ्लाइट पे आ रहा था, दो जो पहले मेटल पकड़े वो भी शारजा से आ रहे थे। जी हाँ, और उसके जैसे वो, आपको पता है मेटल डिटेक्टर होते हैं, मेटल से निकल रहा था तो उसमें बीप आती, आवाज आने लग जाती है, आपके पास कोई लोहे की कोई अलग कोई वस्तु होती है तो वो निकालने, आपको पता है एयरपोर्ट पे आपके चप्पल, ये जो बेल्ट वगैरह, घड़ी चेन वगैरह, मोबाइल वगैरह निकलवा लेते हैं ताकि वो आवाज नहीं करे, इसके लिए होता है। इसके सब कुछ निकालिए, फिर भी ये निकल रहा था, आवाज आ रही थी, फिर भी निकल रहा था, आवाज आ रही थी, 2 बार निकला, यानी पकड़ में गए, जूतों पे इतना आसानी से इतना गौर नहीं किया, फिर उनके जूते खुलवा लिए, तो जूते खुलवाते भैया बीप की आवाज आनी बंद हो गई, तो उनको डाउट हो गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बीप की आवाज आ रही थी, तो उनको जूतों को चेक किया गया, तो आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, जूतों के अंदर बता दूं 700-800 ग्राम का एक बिस्कुट, इतना मोटा बिस्कुट जो सोल को काट के शायद अंदर डाला गया था। जी हाँ, वरना तो इतना मोटा बिस्किट आता नहीं है, क्योंकि पैर की जो हथेली होती है नीचे वाली पैर की, वो यूं होती है, तो इसमें भी थोड़ा सा जगह होती है और थोड़ा नीचे दबा दिया जाता है तो आराम से वो घुस गया। दोनों पैरों में ये समझ सकते हो जूतों के अंदर 70 लाख, एक जूता 35 लाख का पड़ गया। जी हाँ, इसको पकड़ा गया, इसे पूछा गया तो बोला कि सर मुझे नहीं पता, मैं तो एयरपोर्ट पे था, वहां पे कोई अनजान पर्सन आया, उसने ये बताया कि मैं तेरे टिकट के 10,000 रुपए देता हूँ, तेरी टिकट देता हूँ, और वहां पे तुझे एक आदमी मिल जाएगा, उसको ये सामान देना है, 10,000 रुपए का लालच में मैंने ये काम किया, और बाहर निकलता तो वो आदमी मुझे मिल जाता। तो कैसे मिलता? तो उसने बताया कि जैसे मैं सामने खड़ा था, उसने मेरी फोटो खींची और जिस बंदे को देना था राजस्थान जयपुर एयरपोर्ट पे गोल्ड को, उसके उसको व्हाट्सअप कर दी कि इस नाम का बंदा, आप जैसे आए आप फोटो पहचान लेना, इस तरह से मुझे वहां पे बताया गया था। लेकिन उनको, आपको बताया भाई, कस्टम विभाग ने पकड़ दिया, तो वो इस तरह से उसने स्टोरी बताई, हालांकि अब क्या सच्चाई क्या ये तो हमें नहीं पता। अब इसका होने क्या वाला है, आप समझ सकते हैं, अगर 20 लाख तक का कोई गोल्ड लेके आता है एयरपोर्ट के अंदर, तो एक नियम बना हुआ है कि भाई उसका जो एक्साइज ड्यूटी है वो वसूल लें और बाकी उसको छोड़ दें, और गोल्ड को भी छोड़ देते हैं 20 लाख तक की अगर बात करें तो। 20 लाख से ऊपर जब कोई गोल्ड हो जाता है तो वो तस्करी में आता है और उसको जब्त कर लिया जाता है, बंदे को FIR काट के उसको जेल भेज दिया जाता है 20 लाख से ऊपर। यह तो 70 लाख रुपए का था। यहाँ पे सबसे बड़ी क्या बात हुई बता दो, 70 लाख रुपए, बंदे को जमानत मिल जाएगी, नो डाउट जमानत हो जाएगी उसकी, लेकिन गोल्ड पूरा गवर्नमेंट अकाउंट में जाएगा। जी हाँ, टैक्स डिपार्टमेंट में चला जाएगा, गोल्ड वापस नहीं मिलेगा। जो 70 लाख रुपए का गोल्ड था वो भूल जाओ, जो तस्करी आज तक जिन्होंने 2-3 साल में इतने पैसे कमाए ना, वो पूरे के पूरे पैसे चले गए। ये नियम बना हुआ है भाई तस्करी का, तो आप सोच ले समझ ले। केरल में सबसे ज्यादा तस्करी होती है, केरल में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं। वहां के एक अधिकारी ने बताया कि भाई केरल में पर डे 2 किलो गोल्ड एवरेज अगर देखा जाए तो विदेशों से वहां केरल में आता है, सबसे बड़ी तस्करी वही होती है। जी हाँ, इसके बाद बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई,
तस्करी के सबसे ज्यादा मामले वहां निकलते हैं। जी हाँ, कस्टम ड्यूटी के साथ तस्करी भी बढ़ गई थी। इसका मामला क्या हुआ, वहां के एक रिपोर्टर ने हमें बताया, जो कस्टम अधिकारी, उन्होंने एक बात बताई। देश में साल 2010 तक की अगर बात करें तो एक तोला सोना था, तो उस पे ड्यूटी कितनी थी, 100 रुपए। जी हाँ, 100 रुपए कस्टम ड्यूटी थी। लेकिन 2012 तक, यानी 2 साल के बाद में, एक तोला पे ड्यूटी कर दी गई 512 रुपए। जी हाँ, 512 रुपए कस्टम ड्यूटी कर दी गई थी। बाद में सरकार ने इसको और बढ़ा दिया, 10% ड्यूटी कर दी गई थी। यानी आप 1 लाख का गोल्ड लेके आ रहे हैं तो आपको 10,000 रुपए देने होंगे, इस तरह से कस्टम ड्यूटी कर दी थी। इस तरह से अगर देखा जाए तो मान लो आप 1 किलो गोल्ड लेके आ रहे हैं तो उसके ऊपर कम से कम 3 लाख रुपए आपकी कस्टम ड्यूटी देनी होती है। ये 3 लाख, 70 लाख का गोल्ड था तो मेरे हिसाब से 4.5 लाख रुपए बचाने के चक्कर में 70 लाख रुपए की बर्बादी हो गई। तो इस तरह से ये राजस्थान सीकर का मामला है भाई, देख ले सोच ले, तस्करी से बचना जरूरी है, इन चीजों से बचे। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।